राजस्थान में शादियों का सीजन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। सुख समृद्धि और विवाह के लिए कारक ग्रह शुक्रदेव उदय हो चुके हैं। मई के पहले सप्ताह में तारा अस्त होने के साथ ही शादी की सहनाइयों पर ब्रेक लग गया था, लेकिन शुक्र एक बार फिर उदय हो चुके हैं। ऐसे में इस माह यानी जुलाई में 9 से 17 जुलाई तक शादी के शुभ मुहूर्त हैं। 17 जुलाई से देवशयनी एकादशी से फिर से शादी विवाह जैसे कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा। पिछले 2 महीने से बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त थे। 31/6 को तो गुरु तारा उदय हो गया, लेकिन शुक्र तारा आज अमावस्या को 5 तारीख को उदय हुआ है, सुबह प्रातः काल। अब कोई भी कार्य, शुभ मांगलिक कार्य करना हो तो 15-16 तारीख तक आराम से करते हैं। गृह प्रवेश है, गृह निर्माण है, विवाह है, मूर्ति प्रतिष्ठा है, ये सारे मुहूर्त अब शुरू हो गए। काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, लेकिन अब वो मांगलिक घड़ी आ गई है। अब 15 दिन तक लगातार मुहूर्त ही मुहूर्त है। शादियाँ 9/7, 11/7 और 15/7, ये 3 तारीखें विशेष है। उसके अलावा कुछ दोषयुक्त तिथियां और है, जैसे 12/7 को भी है, और लोग अनपूछे जैसे अक्षय तृतीया को करते हैं, इसी प्रकार सूरज नोम को भी करेंगे, तो जो इंतज़ार था वो लोगों का ख़त्म हो गया है। और बहुत ज़्यादा शादियाँ इस 3-4 तिथियों में भरपूर रहेगी। उसके बाद चतुर्मास लग जाएगा। चतुर्मास में मध्य भारत में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। सिंध, पंजाब, कश्मीर, उस दिशा में शादियां होगी जो चतुर्मास में भी होती है, लेकिन मध्य भारत में शादियां बंद हो जाएंगी, मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे।